कि चीन की मानसिकता को समझने के लिए क्या पहले ये समझना जरूरी है जो रूसी परिस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट, इसका क्या कनेक्शन है चाइना के साथ, और क्या वो इसी जो 1980 के दशक में रशिया जिस तरह से बदलाव ले रहा था उसी को फॉलो करते हुए चाइना स्थिति तक पहुंचा है? देखो मनु, उसको आपको समझना हो ना, तो हमको दोनों चीजों को लोक भाषा में, सामान्य भाषा में समझना होगा। पेरिस्टोइका और ग्लासनोस्ट क्या था? पेरिस्टोइका बेसिकली उसका जो लक्ष्य था ना, वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और इकोनॉमिक ओपननेस था यूएसएसआर में, जहाँ सब कुछ सोशलाइजेशन के गार्बेज से कवर कर रखा था उन्होंने। और यहाँ तक ये स्थिति थी कि फाइनेंस मिनिस्टर को नहीं मालूम होता था कि कितनी आवक हो रही है, कितनी जावक हो रही है, इसलिए वो बड़बड़ा के सिस्टम गिरा था। और ग्लासनोस्ट की बात है तो वो बेसिकली ओपननेस इन सोसाइटी, अब आप उसको अलग अलग नाम दे सकते हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच दे सकते हो, फ्रीडम ऑफ प्रेस दे सकते हो, फ्रीडम टू ट्रेवल, क्योंकि वहां ट्रेवल भी बैन था, ये सब चीजें, फ्रीडम ऑफ इंटरनेट आज की तारीख में उसको दे सकते हो, फ्रीडम ऑफ लिटरेचर उस जमाने में भी उसको रख सकते थे, फ्रीडम ऑफ प्रेस तो डेफिनेटली है ही सही। तो ये सबको ग्लासनोस्ट में आता है। अब गर्बाचेव ने जब ये दोनों पॉलिसीज रखी थी, उस समय डेन शाओपिंग थे चाइना में। डेन शाओपिंग ने बहुत चतुराई से पेरिस्टोइका को तो फॉलो किया और ज्यादा प्रभावशाली रूप से फॉलो किया, लेकिन ग्लासनोस्ट को नहीं किया उन्होंने, क्योंकि उसकी वजह से उनको लगता था कि चीन में जो वन पार्टी सिस्टम है वह कॉलेप्स हो जाएगा और अल्टीमेटली इनका कम्युनिस्ट शासन खत्म हो जाएगा चीन से। लेकिन पेरेस्टोइका करके उन्होंने चीन को आज का चीन बनाने में सहयोग किया कि आज दुनिया की सबसे बड़ी दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है और पहले नंबर की तरफ बढ़ती जा रही है। तो वो हुआ था पेरेस्टोइका के कारण। लेकिन अब ये समझो आप इसमें कि हमने बहुत सारे देशों को देखा है कि जो मिडिल इनकम ट्रैप में फंस जाती है जो कंट्रीज, और उनको आगे प्रोग्रेस करना जब भी होता है ना, तो फिर उनको जिसको कहते हैं ग्लासनोस्ट, उसको करना ही पड़ता है, ओपननेस लानी ही पड़ती है। मैं कुछ उदाहरण दूंगा आपको। बहुत सारे लोग भूल जाते हैं मनु कि 1979 से पहले जो साउथ कोरिया था वो नॉर्थ कोरिया से पीछे था, और नॉर्थ कोरिया वॉज अ वेरी इंडस्ट्रियलाइज कंट्री 1978 तक, और वो जस्ट नेक्स्ट टू जापान उसकी पर कैपिटा इनकम थी एशिया में। तो वो इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था थी, इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल स्टेट एज कंपेयर टू साउथ कोरिया। लेकिन जब धीरे धीरे ये वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और 1979 में साउथ कोरिया ने नॉर्थ को टेक ओवर कर लिया, उसके बाद उनको लगा कि अब जब इनकम बढ़ती जानी है, लोगों को और प्रोग्रेसिव बनाना है, प्रोग्रेस करनी है, तो हमको ओपननेस लानी पड़ेगी। इसलिए जो डिक्टेटोरियल रेजिम था साउथ कोरिया में भी डिक्टेटोरियल टाइप का ही रेजिम था, वो धीरे धीरे डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ता गया। यही स्थिति हुई थी सिंगापुर के साथ, यही स्थिति हुई थी ताइवान के साथ। देखिए चांग काई शेक जो थे वो चाहे कम्युनिस्ट नहीं थे, लेकिन ही वॉज अ टोटल डिक्टेटोरियल। ताइवान के अंदर जो कॉमिंटर्न की गवर्नमेंट थी वो भी पूरी डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट थी। देखिए जैसे जैसे चीन, जैसे ताइवान ने वो मिडिल इनकम ट्रैप से बाहर निकलना था उसको, तो उन्होंने अपने आप को रिलैक्स करना शुरू किया, ओपननेस करना शुरू की। अब डेन शाओपिंग ने पेरेस्टोइका तो किया, लेकिन जो लाखों को रोक के बैठे थे वह, अब चीन उस स्थिति पर आ गया है कि मिडिल इनकम कंट्री बन चुका है, उस ट्रैप में आ चुका है। अब उस ट्रैप से यदि उसको निकलना है तो उसको फिर ओपननेस करनी होगी, मतलब तो करना होगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि शी जिनपिंग और जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है उस चीज के लिए रेडी है? नहीं रेडी है। तो यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य बनता हुआ दिख रहा है मुझे चाइना का, कि चाइना मिडिल इनकम कंट्री के ट्रैप में फंस गया है, उनकी सोसाइटी फंस चुकी है। और शी जिनपिंग को मैं ये कहूंगा कि वो जिस प्रकार से ब्रिजनेव थे ना, ब्रिजनेव को आप उठा के देखो तो ब्रिजनेव के समय से ही सोवियत संघ का डाउनफॉल शुरू हुआ, क्योंकि उन्होंने क्या किया था कि अपनी सीमाओं का बहुत विस्तार तेजी से करना शुरू कर दिया था, बहुत ज्यादा खर्च करना शुरू कर दिया था, मतलब रेवेन्यू से ज्यादा इनकम से ज्यादा एक्सपेंडिचर शुरू हुआ था। आप उसी परिप्रेक्ष्य में देखिए शी जिनपिंग के चाइना को, चाहे वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो, जिस प्रकार से पैसा कंज्यूम कर रहा है, उसका वापस रिटर्न नहीं आ रहे हैं, मल्टीपल फ्रंट्स खोलते जा रहे हैं,
तो ये अभी ब्रिजदेव का दौर चल रहा है। अगर कल से ही इज ऑलमोस्ट 68 शी जिनपिंग, कोई गर्बाचोव जैसा बेवकूफ आ जाएगा, बेवकूफ में बोल रहा हूं उनके मद्देनजर, तो वो सिस्टम बड़बड़ा के गिर जाएगा। तो पेरिस तोइका के साथ ग्लासनोस्ट जरूरी है, लेकिन उसमें एक समय की जो अवधि होना चाहिए थी वो गर्बाचोव ने समय अवधि नहीं की, उन्होंने दोनों को एक साथ किया, एक बंद सोसाइटी में सिस्टम भड़बड़ा के गिरा, सोवियत संघ कॉलेप्स हो गया। जिन देशों ने, चाहे छोटे एग्जांपल है साउथ कोरिया का, ताइवान का, सिंगापुर का, जिन्होंने पेरिस तोइका किया और कुछ समय देने के बाद ग्लासनो किया, वो फायदे में रहे हैं। चीन ने भी पेरिस तोइका उसी समय किया, नाम अलग अलग दे दो, लिबरलाइजेशन दे दो, प्राइवेटाइजेशन दे दो, चीज वही है। लेकिन अब वो ग्लासनो करने का, जब उसके पास समय है वो नहीं करेंगे, क्योंकि डिक्टेटोरियल रेजिम है, शी जिनपिंग में सब चीजें हैं सिवाय एक वो डेमोक्रेसी वाली हड्डी जो होना चाहिए वो नहीं है, ओपननेस की हड्डी नहीं है, तो उसकी वजह से वो मिडिल इनकम ट्रैप में फंस चुके हैं। और आई एम जस्ट वेटिंग कि लेट दिस मॉडर्न ब्रिजनेव ऑफ चाइना, दैट इज शी जिनपिंग, पास, एंड आई एम वेटिंग फॉर द रिजर्व ऑफ चाइना।